हेलो, तो आ चुके हैं भैया BGMI के साथ। तो भैया अगर तुम मेरी लाइव नहीं देखते हो तो मैं बता दूं, मैं कभी कभी BGMI भी लाइव करता हूँ और ये उसका ही गेम प्ले है। ठीक है, तो इसमें भैया हमने मारे थे शायद स्क्वाड में मारे थे हमने 35 किल्स, तो ये उसका गेम प्ले है। और साउंड इसलिए नहीं है क्योंकि यार ईयरफोन इशू की वजह से इसमें साउंड बहुत वियर्ड आया है, अजीब सा साउंड आ रहा था, तो इस वजह से मैंने साउंड डाला ही नहीं, मैंने साउंड हटा दिया। उसके लिए गाना लगा दिया, ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं देखा चलो वही रहने दो। ऑफ कोर्स तुम्हारे तो गेम देखने से मतलब होगा यार, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ, तो बात न्यू है कि मैं इस पर वॉइस ओवर दे रहा हूँ जस्ट ऊपर से, क्योंकि यार अब साउंड होगा सिर्फ गाना होगा तो शायद तुम्हारा अच्छा नहीं लगे। तो मैं देखा वॉइस मेरी अच्छी लगती होगी, क्या पता। तो मैं देखा वॉइस दे देता हूँ यार भाई साहब। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो फिलहाल अभी तक यहाँ तक तो मैच ऐसा चल रहा था, मैं मार रहा था और ठीक है बंदे पिट रहे थे। वेल ओके, तो वेल यहाँ पे है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बंदा होता है जो कीड़े कर रहा होता है, वो बहुत उदम करा बंदा होता है, उदम समझते हो, बहुत गंदा उदम वाला। जब मैं यहाँ बम कर रहा था वो भाग चुका था पीछे चर्च की तरफ, और जितनी देर में, और यहाँ पे पीछे भी एक बंदा था, ठीक है, तो शायद वो उसी का ही टीममेट था शायद, या शायद नहीं, वो आई गेस हो सकता है। बाकी देखो मैंने उस यहाँ पे उसको कूप डैमेज दिया, लेकिन वो उतनी देर में पीछे घर में भाग जाता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ उसको मारने, लेकिन वो पीछे निकल जाता है इसके हाउस के पीछे। ठीक है, बाकी तुम देखो क्या होता है। हाँ, मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उतनी देर में पीछे से मेरे टीममेट ने मार दिया, तो वेल अब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं आगे जा रहा था तो मुझे आई पीछे से गाड़ी की साउंड। ठीक है, तो मैंने बोला पीछे गाड़ी है, लेकिन ये भाई तो लूटने में मस्त हो रखे थे, तो खैर कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने दोनों को हुक मारा, लेकिन कोई डैम मतलब कोई नॉक नहीं हुआ, तो दूसरे को मुझे दिखता भागते हुए दिखा, तो मैंने इसको मार दिया। वेल इसके बाद मैं उसको भी खूब मारने की कोशिश की, लेकिन वो छुप चुका था उसके पीछे। मैं देखा पैर पे मार दूँ, फिर मैं देखा चलो छोड़ो पहले रिवाइव दे लेते, क्योंकि मेरा टीममेट था जो वो पीछे से जा रहा था उसके ऊपर, तो आराम से वो मार सकता था, तो मैंने उस पर छोड़ दिया और वेल मैं उसको रिवाइव देने बैठ गया। मेरे शांति से मैं वेट कर रहा था कि वो मार दे, वेल मरने का तो क्यों वेट करूँगा उसका, वो मारने का करूँगा, ऑफकोर्स असिस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको मार दिया था, आराम से हमने लूट की और हम आ गए थे उसी तरफ जब वो चर्च पे गया, तो यहाँ पे बॉट का साउंड आया। ठीक है, फिर उसने ऊपर से चर्च से मारा उदम गारे बंदे ने, जो मैंने बताया था। ठीक है, ये उदम गारा बंदा उदम करा, मेरे को दिखा यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए, फिर मैंने उसको फायर किया तो वो उदम गारा छुप गया और फिर बाद में पीछे भाग गया फुल स्पीड में। ठीक है, वेल हमारे को पता नहीं था वो पीछे भाग गया, मैंने यहाँ मारा। अब मैं थोड़ा सा देखो, मैं देखा हाइट देखते हैं, पास जाके लड़ना क्या पता कितने बंदे हों क्या हो, हमारे को नो आइडिया था कि ये वही उदम गारा बंदा है। उदम पता बाद में पता पड़ेगा, तुम्हारा देखना अभी। फिलहाल मैं देखा यार इसका रेल सच्ची M4 है और स्प्रे में भाई तुम्हारे को पता है ना यार, ऑफकोर्स M4 भाई स्प्रे के लिए भाई कौन नहीं लेता, तो मैं देखा M4 ले लेते हैं, और ग्रिप भी मिल रही थी तो मैं देखा ग्रिप भी ले लेते हैं भाई साहब। और हम चले भैया हम ट्रिपल स्टोरी पे, क्योंकि वहाँ से एंगल अच्छा मिलता है, तो यार मैं देखा वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है, बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ भैया, वो तो उदम करते हुए निकल लिया भाई पुदक पुदक के। खैर मैं ऊपर गया, इतना दिमाग लगाया, खैर इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने देखा वहाँ पे मेरे को नहीं था, तो या मुझे लगा कि वो मुझे, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि वो उदम कर रहा है तो वो पक्का पीछे भागा होगा, तो वह मैं पीछे ढूंढ रहा था उसको कहीं दिख जाए, तभी मेरे को उस घर में कोई हल्का से झलक दिखती है, तो फिर वहाँ से फायर आता है। ठीक, तो मैं समझ जाता हूँ कि फिर वही बंदा है और उदम कर दिया है, तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उदम कर रहा बंदा भैया फायर दे के फिर पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, और देखो वो भाग रहा था, और भाई इसको जो पड़ी, और वो भाई 1 HP बच गया था, लेकिन मैं देखा चलो छोड़ो हवा में फायर करते रहो कि कहीं तो गोली अड़ आ जाए, क्योंकि 1 HP था तो अड़ गई और मर गया वो। फिलहाल मैं यहाँ पे हंसता भी बोल के कि भैया ये तो कति उदम गारा बंदा है, फिर भाग गया था भाई उदम करके, ऐसे थोड़ी जाते थे कि उदम करके यार, ऐसा थोड़ी होता है नहीं। तो ठीक है, फिलहाल के लिए उसको मार दिया, टीममेट को रश करने के बस ऑलमोस्ट कर चुका था उसके बाद उसको नहीं मिला। खैर हम आ चुके थे दूसरे ऊपर की तरफ कोचिंग के ऊपर, जहाँ पे वो स्नोवी विलेज है, तो वहाँ पे बंदे थे, यहाँ पे एक को मारा इसका बंदा, इसके दो बंदे जो पीछे लूट रहे थे, हम उसको भी मारने जाते हैं फिलहाल के लिए। वेल मैं पीछे आ रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ से मुझे पड़ सकती है, तो वेल इसलिए ठीक है, तो पर यहाँ पे कोई मारा नहीं था, तो मैं यहाँ पे आके रुक गया था थोड़ी सी देर, और जस्ट
मेरी आदत है, मैं अगर बीजी में मुझे खेलते हुए देख रही हो तो भैया मेरे पास इतनी गंदी लूट मिलेगी तुम इतनी मान नहीं सकते भाई, मतलब इतनी एपिक, मतलब कहने का मतलब बहुत गंदा लूट करता हूँ मैं भाई भयंकर लेवल पे। और खैर मुझे वहाँ बंदा दिख गया था, वेल यहाँ पे मैंने सडन मारा तो मेरा हाथ थोड़ा सा फिसल गया था, ऊपर चला गया था ठीक है, और मारते भैया मैंने कर दिया रश, मैं हो गया भैया बकला भाई, मुझे बकला मुझे किल चाहिए थे तो वह मैंने कर दिया था रश ठीक है, और वह मेरे किल एक ही आया अपना वाला और एक को टीम मेरे मार दिया। फिर हम चल दिए थे वापस घूमने, बंदे ढूंढने पर कोई मिला नहीं, और जहाँ वापस आया तो बंदे मिल गए और भाई मेरी गाड़ी टूट गई थी, मैं थोड़ा सा कवर लेने लगा, लेकिन हमारी टीम में तो जॉब थे भैया पूरी गुस्से और गुस्से में घुस गए भाई, और देखना भाई जो गुस्सा ना जो गुस्से गुस्से में भैया जो जोश में गुस्सा तो खैर कहीं खड़े भाई जोश ही बोलेंगे इसको तो, वेल ये गुस्से हमारे जोश में भैया और ये भाई हो गए नॉक भैया जो जोश में घुसे थे, और मेरे को वो दिख गया तो मैंने उसको मार दिया, और उसके बाद उसने इसके टीममेट को मारा और मैंने उसके भी टीममेट को मार दिया भाई साहब, पदक पदक के बाहर आने की कोशिश कर दिया था पर टपक लिया, और इतनी देर में भाई हमारे पे थर्ड पार्टी करने के लिए पीछे एक गाड़ी आई, और ये बंदा भाई इतना गंदा सांप था भाई, भाई दिख ही नहीं रहा था भाई सांप, मतलब सिर्फ साउंड आ रहा था उस तरफ से कहाँ है पर दिखा हम तीनों में से किसी को नहीं भाई, वो सिर्फ डैमेज दे जा रहा था और हमारे को दिख नहीं रहा था। तो वह इतनी देर में पीछे भी बंदे आ गए थे तो हमने छोड़ो उसको पहले पीछे वाले को देख लेते, और मैंने भाई मारने से पहले गुच्छ कर दिया उन लोगों ने भाई गुच्छ वेल ठीक है, और पीछे और बंदे थे और मेरे टीममेट के पास दिखे नहीं थे तो मैं भी देख रहा था पीछे कोई दिख जाए तो, और मुझे एक सांप दिखा, ये लो एक प्यारा सा स्प्रे, और फिर मैंने उसको फ्रीज देने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ भैया, अगर तुम भिटके करते हो तो थोड़ा सा उसका पता नहीं क्या होता है एनिमेशन की वजह से बच जाता है या फिर पता नहीं क्या, बट उसको फुल डैमेज नहीं होता है, तो वो वहाँ पे कर रहा था, मैं हो गया भैया हक्का हक्का हम तो भूल गया भाई चक्का वक्का, मतलब क्या बोला मैंने मुझे नहीं पता भाई टक भाई साहब ठीक। तो वह मैं देख रहा था उसका कोई टीममेट वीममेट तो है नहीं, तो मुझे नीचे पैरों का वजह उनको रिवाइव कर रहा है, बट नहीं नीचे रिवाइव नहीं कर रहा था तो मैंने कहा फिनिश कर देता, लेकिन तब सामने सुन रहा तो हम भैया कैसे रुकने वाले थे भैया, हमने पकड़ लिया उसको, कोशिश कर रहे थे पकड़ने की, नहीं पकड़ पाया यार सीधी सी बात है, देखो ऑफकोर्स सी बात है, तो मैं सोचा एक बम मार दे, नहीं बम से भी नहीं मरा, तो मैं सोचा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मेरे को दिखा ये पिसल पट्टी भैया, तो पिसल पट्टी में चढ़ के ऊपर हो जाएगा तो दिख जाएगा, और जैसा मैंने सोचा वो दिख गया, जैसे मैंने मार दिया था, बट मैं देखा चलो ठीक है दिख गया है वहाँ फायर कर दो, बट वो खिसक के और निकल चुका था भाई साहब, भैया बड़ा रगड़ रहे थे भैया, रगड़ रगड़ के भैया पता नहीं क्या चाहते थे, रगड़ रहे थे मजे कर रहे थे रगड़ रगड़ के, तो मैंने देखा एक बार ट्राई मारते ऊपर से दिख जाए तो, और वो दिख गया, लेकिन वहाँ पे आगे पेड़ों पे एक और बंदा था, मुझे लगा टीममेट है, बट नहीं वो उसका टीममेट ही था डायरेक्ट फिनिश, वो अलग बंदा था, कल दो अलग बंदे थे, मैं डर गया भैया, मैं हो गया शांति से भैया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा साथ, अब वो पेड़ पे ही लेता था उधर भाई व्यक्ति को दिख नहीं रहा था तो क्या कर सकते हैं, बट मैं हील करा आराम से थोड़ी सी देर मेरे मस्त बैठ के, मैं बोला टीममेट तुम जाओ आगे भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा लूट का कीड़ा भाई क्या करूँ भाई, लूट का कीड़ा मेरा जाता नहीं है ना क्या करूँ, तो मैं देखा चला सर लूट कर लेते हैं तो जब तक मेरे को दिख भी जाएगा बम बम मिल जाएगा और कुछ कर जाएगा तो मैं कर लूँगा भाई, यार मैं ऊपर से थोड़ा स्काउट करा भी दिख जाए मुझे, बट नहीं दिखा वो, तो मैं देखा थोड़ा सा लूट लाट के चलते हैं भाई, कुछ मिल जाए अच्छा खासा तो उसको पीट देंगे, बट इतने में गाड़ी लेके घुस चुका था वो मेरे को छोड़ के, तो मैं देखा चलो अब तो खैर लड़ना भी बेकार है, या तो वो मार देगा या नॉक होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ ऑलरेडी पीछे, और इतनी देर में उसने ख़त्म कर दिया और ये दूसरी बंदे का। और हमारे यहाँ पे 35 किल थे, अगर तुम्हारे को दिखाओ या नहीं दिखे पता नहीं, देख लो शायद से दिखा पाऊँ।